नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंद गुप्ता, MBBS MD एंड DM एम्स न्यू दिल्ली, और मैं दिल्ली में स्थित एक कैंसर विशेषज्ञ यानी कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। आज हम एक विशेष प्रकार के कैंसर के बारे में बात करेंगे जो कि है हड्डी का कैंसर। अन्य कैंसरों के विपरीत ये एक खास तरह का कैंसर है जो बड़ी और छोटी उम्र दोनों में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हड्डी का कैंसर क्या होता है। तो कैंसर एक तरह की बीमारी होती है जिसमें शरीर के नॉर्मल सेल इस तरह से बदल जाते हैं कि उनके बढ़ने में और फैलने पे शरीर का कोई कंट्रोल नहीं रहता। जो सेल थोड़ा सा बढ़ के रुक जाने चाहिए वो बढ़ना रुकते नहीं है, धीरे धीरे वो गांठ बना लेते हैं और फिर फैल के जान को भी खतरे में डाल देते हैं। जब ये कैंसर हड्डी के अंदर उत्पन्न होता है तो इसको हड्डी का कैंसर यानी बोन कैंसर कहा जाता है। हड्डी के कैंसर दो मेन प्रकार के होते हैं जिनको हम ऑस्टियोसारकोमा और एविंग सारकोमा बोलते हैं, और इससे कम कॉमन अन्य प्रकार भी होते हैं। इन दो प्रकारों में काफी समानताएं भी है और काफी विपरीतताएं भी है। तो बात करते हैं हड्डी के कैंसर के मुख्य लक्षणों के बारे में। हड्डी का कैंसर ज्यादातर दर्द की समस्या के साथ शुरू होता है। क्या होता है कि मरीज पाता है कि उसके किसी अंग में दर्द हो रहा है जो कि जा नहीं रहा और धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतता है मरीज को कई बार ये भी लगता है कि जहां पे दर्द था वापस सूजन बन गई है, जो कि कभी कभी बढ़ते बढ़ते एक सख्त गांठ में कन्वर्ट हो जाती है। जब ऐसा हो जाता है तो कई बार दर्द और सूजन की वजह से मरीज का चलने फिरने में परेशानी होनी शुरू हो जाती है। खासकर जब टांग में गांठ हो मरीज कई बार लंगड़ा के भी चलना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे जब गांठ बढ़ती है तो मरीज की हड्डियां कमजोर होती जाती है और फिर मामूली सी चोट से भी हड्डी में फ्रैक्चर का खतरा हो जाता है। कई बार मरीज को लगता है कि चोट की वजह से फ्रैक्चर लगा है, पर असली बात यह होती है कि मरीज हड्डी बीमारी की वजह से कमजोर हो चुकी होती है और मामूली सी चोट से मरीज को फ्रैक्चर हो जाता है। यदि कैंसर के इलाज में लापरवाही की जाए और बहुत लंबे समय तक कैंसर का इलाज नहीं किया जाए तो कैंसर फैल भी सकता है, और ज्यादातर कैंसर हड्डी और फेफड़े में फैलता है जिससे कि जान को भी खतरा हो सकता है, और इससे रिलेटेड समस्याएं जैसे कि खांसी, सांस फूलना, छाती में दर्द इत्यादि भी हो सकते हैं। तो बात करते हैं कि हड्डी के कैंसर का पता कैसे किया जाता है और उसके इलाज के लिए क्या जांचों की जरूरत है। तो हड्डी का कैंसर पता करने के लिए सबसे पहले एक अच्छे कैंसर विशेषज्ञ से मिलना बहुत जरूरी है। जानने वाली बात यह है कि हड्डी का कैंसर एक रेयर बीमारी होती है, इसलिए साधारण डॉक्टर इसको उपचार नहीं कर सकते। एक अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट की ही जरूरत है हड्डी के कैंसर के इलाज के लिए। तो हड्डी के कैंसर की जब जांच की जाती है तो इससे डायग्नोसिस का शक हो जाता है, और इसके बाद इस शक को मजबूत करने के लिए या कंफर्म करने के लिए विभिन्न जांचें की जाती है। ज्यादातर पहली जांच एक एक्सरे होती है जिससे हड्डी के कैंसर का शक और मजबूत होता है, और फिर जैसे की जरूरत हो डॉक्टर को अन्य जांचों की जरूरत पड़ सकती है जैसे कि CT स्कैन, MRI स्कैन या PET स्कैन, जो कि अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरह से इस्तेमाल की जाती है। साथ ही इलाज के लिए एक बायोप्सी नाम की जांच की भी बहुत जरूरत होती है। बायोप्सी में कैंसर का एक छोटा सा अंश शरीर से निकाला जाता है और उसकी जांच की जाती है, और उस हिसाब से पता चलता है कि शरीर में कैंसर कौन सा है और किस तरह से इसका इलाज करना है। हड्डी के कैंसर में बहुत जरूरी चीज ये है कि बायोप्सी की जांच भी एक अच्छे कैंसर स्पेशलिस्ट को ही करनी चाहिए, क्योंकि गलत तरीके से बायोप्सी से यह खतरा है कि बाद में इलाज बीमारी का और कठिन हो सकता है। तो अंत में हम बात करते हैं हड्डी के कैंसर के इलाज के बारे में। तो सबसे पहले एक सौभाग्य की बात यह है कि हड्डी के कैंसर का ज्यादातर केस में जड़ से पक्का इलाज किया जा सकता है, परंतु इस जड़ से इलाज के लिए बहुत जरूरी है कि कैंसर का इलाज एक हड्डी के कैंसर के एक्सपर्ट कैंसर स्पेशलिस्ट के अंडर ही किया जाए। एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हड्डी के कैंसर के इलाज के लिए ज्यादातर ऑपरेशन और कीमोथेरेपी दोनों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ ऑपरेशन से हड्डी के कैंसर का वापस आने का चांस बहुत ज्यादा होता है, साथ ही हो सकता है कि आदमी को पूरी टांग खोनी पड़े, जबकि ऑपरेशन और कीमोथेरेपी के साथ इस्तेमाल से टांग या हाथ का बचाव किया जा सकता है ताकि सिर्फ ट्यूमर बॉडी से निकाला जाए और बाकी अंग को आदमी को ना खोना पड़े। इसके अलावा कुछ मरीजों में सिकाई यानी रेडियोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी यानी कैंसर की गोलियां और इम्यूनोथेरेपी का भी अच्छा फायदा देखा गया है। तो इसी के साथ दोस्तों हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। यदि इस वीडियो में आपको कुछ सवाल है जो आपको आपके कुछ डाउट क्लियर नहीं हो पाए हैं या कुछ चीजें जो आपके मन में आपको समझ में नहीं आ पाई है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप अपने डाउट्स व्हाट्सएप या कॉल करके हमसे ये चीजें क्लैरिफाई कर सकते हैं। हमारे अन्य लिंक भी इस समय स्क्रीन पे डिस्प्लेड है।
मैं आपसे चाहूंगा कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए या आपके लिए काम का वीडियो रहा हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।